हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा 36 साइज ब्लाउज का डबल कटोरी कटिंग। आपको कैसे करना है, कैसे नाप लेना है, कैसे कटिंग करना है, सारा कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम। तो देखिए, कपड़ा को हम पहले इस तरीके से देख रहे हैं, डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। अब 36 साइज ब्लाउज है तो पहले हम बैक साइड का निकालेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। तो क्या करना है, पहले 36 साइज का आपका फोर्थ भाग निकालना है। तो देखिए 9 इंच पर मेरा पूरा फिटिंग्स आएगा, यहाँ पर दाग दे देंगे 9 इंच पर। और फिर हम मार्जिन लेंगे 2.5 इंच, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम नीचे से ब्लाउज का लेंथ रखेंगे, जितना आपको लेंथ रखना है। तो 36 साइज ब्लाउज है तो हमें जो लेंथ है वो रखना है 14 इंच, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 36 साइज चेस्ट है इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर पूरा लेंगे 6 इंच, यहाँ पर आर्महोल भी लेंगे हम 6 इंच। इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर हम आर्महोल का गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब देखिए गले के लिए हम देखिए कंधा तरफ से आर्महोल तरफ से हम लेंगे अंदर तरफ 3 इंच, और आपको डीप जितना रखना है गला उसी हिसाब से आप लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 10 इंच की दूरी पर एक दाग देंगे और इस तरफ से हम 3.5 इंच लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहां से ऊपर तरफ से हम 3 इंच ले रहे हैं नीचे तरफ, इसको भी हम इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे जैसे हम कोना में गोल का शेप दिए वैसे ही हम इस कोना में भी इस तरीके से गोल का शेप देंगे। इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा बैक साइड में। अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर एक टक्स का निशान लगा देंगे, यहाँ पर लगेगा टक्स, ध्यान रहेगा। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए बैक साइड का डिजाइन बन गया। अब जहां पे टक्स का निशान लगाए थे वहां पे कट लगा देंगे ताकि पता चले कि हमें टक्स लगाना कहाँ पे है। तो देखिए बैक साइड का डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड में हम करेंगे डबल कटोरी वाला। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां से 8.5 इंच पर रखेंगे पूरा लंबाई, अब देखिए यहां से हम एक तरफ से लेंगे 3 इंच, अब अंदर तरफ हम लेंगे 2 इंच और पूरा यहां से लंबाई लेंगे हम 5.5 इंच। इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहां से यहां तक हम गोलाई का शेप देते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। देखिए अब जैसे लाइन ड्रॉ किए वैसे कटिंग कर लेंगे।
देखिए कटोरी बनके तैयार हो जाएगा नीचे तरफ वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 इंच लिए थे हम, तो 4 इंच पर एक दाग देंगे और इसको हम हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कटोरी बनके तैयार हो जाएगा। अब हम कटोरी का साइड वाला पल्लर निकालेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है पहले से ही। अब इसको हम कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ब्लाउज का फ्रंट साइड का कटिंग करने के लिए लंबाई हम लेंथ लेंगे 10.5 इंच। अब यहां से हम लेंगे 3 इंच और फिर आर्मोल का लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच। जितना हम लिए थे बैक साइड में उतना ही आपको फ्रंट साइड में भी लेना है। इसको इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां से भी हम 5.5 इंच लेंगे, इसको इस तरीके से दाग दे देंगे। अब देखिए यहां से हम इस तरफ लेंगे 4.5 इंच और आर्मोल का गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए यहां से हम 5.5 इंच पर दाग देंगे, गले के लिए डीप रखना है। अब इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए ये जो है फ्रंट साइड का कटिंग है। अब इसको हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हो गया साइड वाला पल्लर। अब हम कमर का तीरा निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद पहले लेंथ लेंगे कि हम कितना लेंगे लेंथ, ठीक है। तो बैक साइड का कितना था, 9 इंच था और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे, तो 10-11 इंच पे पूरा आ जाएगा। अब एक तरफ हम लेंगे 5.5 इंच और एक तरफ हम लेंगे 4.5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देंगे। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे। इसका जॉइंट हटा लेंगे, तो तीरा निकल गया। अब हम कटोरी का नीचे वाला पल्लर निकालेंगे, तो देखिए कपड़ा को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब देखिए कटोरी को पहले नाप लेंगे, तो एक दाग दे देते हैं कहाँ से लेना है। देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे लेना है और फिर यहाँ पे, तो इतना हमें लेना है। अब यहाँ का चौड़ाई, कटोरी का जो आगे तरफ का चौड़ाई हम लिए थे, जितना लिए थे उतना ही लेना है आपको। इस तरीके से दाग दे दिए। तो कटोरी का नीचे वाला पल्लर कटिंग हो जाएगा ऐसे करके। तो फ्रेंड्स जैसा हम बता रहे हैं अगर वैसे ही आप कटिंग कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए कटोरी वाला ब्लाउज का कटिंग हो गया है। ये फैब्रिक्स बच गया, इसमें बस सिर्फ आपको स्लीव्स का कटिंग कर लेना है, फिर हो जाएगा पूरा कटिंग, ठीक है। तो देखिए हम क्या क्या कटिंग किए। ये हो गया बैक साइड डिजाइन वाला, यहाँ पर डोरी लगेगा, ठीक है।
ये हो गया साइड वाला पल्लर, ये हो गया कटोरी, ये उसका नीचे वाला पल्लर, ये एक और कटोरी, और फिर ये हो गया तीरा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।